बहुजन समाज पार्टी पहला प्रयास उसका है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के जितनी भी समाज के लोग हैं, जितनी उपजातियां हैं, वो सब एकत्र होकर के इस संगठन को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और आज इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश के बहुत सारे लोग जो अशोक अज्ञानी जी के नेतृत्व में, पहले भी राजस्थान में काफ़ी लोग जुड़े थे, राजस्थान के वो जिस समय हम लोग माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी, उस समय हजारों की संख्या में आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, आपने देखा। और उसी तरीके से इन्होंने इस बार पार्लियामेंट के चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अपने तमाम साथियों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया। वाल्मीकि समाज की जो पार्टी कहते हैं वो तो आम आदमी कहते हैं, क्योंकि झाड़ू निशान है उसको, और वाल्मीकि समाज अधिकांश झाड़ू का काम करते हैं, जबकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आरएसएस का ये बिल्कुल खास आदमी है, और झाड़ू का निशान इन्होंने पूरी उसके साथ लिया, साजिश के तहत पूरी इन्होंने दिल्ली में वो किया, पूरा इन्होंने सर्वे किया। 40 लाख से ज्यादा वाल्मीकि समाज है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो वोटर है, परिवार के साथ रहता है, और उन्होंने सर्वे करके सबसे पहले वाल्मीकि समाज को टारगेट किया, और उन्होंने झाड़ू का निशान इसलिए लिया क्योंकि हजारों वर्षों से झाड़ू से आस्थाएं हैं रोजी रोटी की, तो इसीलिए जो नई भी है सफाई कर्मचारी तो उनके बाप दादे या माँ बाप किसी ना किसी जुड़े हुए थे, तो झाड़ू का निशान आते ही वो एक तरफा वोट की गारंटी हो गई। तो इस वजह से उन्होंने साजिशन लिया था, जबकि सबसे बड़ा शोषण जो इसने आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 बार की सरकार में किया है, जो हमारा उसमें उसने रिजर्वेशन खत्म किया। देखो, केजरीवाल भारत के अंदर पहला ऐसा राजनेता हो गया जिसने डायरेक्ट हमारा रिजर्वेशन खत्म किया अनुसूचित जाति का, जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी बनी 2020 में, उसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन लागू नहीं किया, और 2020 और 21 का जो बजट है, दिल्ली का फाइनेंशियल बजट है, उसमें डायरेक्ट इसने जो हमारा एससी अनुसूचित जाति का जो अलग से पैसा आता था 1300-1400 करोड़ रुपए हमारे बच्चों के उसका अपलिफ्टमेंट का, पढ़ाई लिखाई का, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, उसको खत्म करके इसने जो सामाजिक उसमें जो वो है फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या ओल्ड एज हैं या वुमेन्स हैं उनके साथ जोड़ दिया। तो इसने तो सबसे बड़ा धोखा किया, और सफाई कर्मचारियों को कहा था पक्का करूंगा, डिग्निटी की तरह लाइफ दूंगा, वो पूरी की तरह इसने कुछ नहीं किया और उनको ठेके पे रखा है। तो इसने जो पूरी तरह से यूनिक आदमी है ये, आरएसएस का बिल्कुल, बीजेपी का, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों भाई बहन है आपस में, और ये तीनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। इसीलिए हमारी पूरी तमाम व्यापक टीम ने आज वाल्मीकि समाज ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। क्या लगता है कि आपके वह जुड़ने से पूरे देश का वाल्मीकि समाज बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप बात करते हैं तो पूरा जुड़ेगा? सर, पूरा जुड़ेगा। आंध्र प्रदेश से मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे पंजाब से फोन आ रहे हैं कि अब हमारे यहाँ भी कराओ, हम भी वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े ग्रुप, और हम उसके साथ जुड़ेंगे, बीएसपी के साथ जुड़ेंगे। तो अभी तो बिल्कुल एक आंधी सी चलने वाली है, एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि वाल्मीकि समाज को ये भी नहीं पता था कि भाई बीएसपी हमारी पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जिसपे हम हक से, अधिकार से हम अपना जता सकते हैं, और उन नेताओं से हम, तमाम हमारे नेता हैं जिनको हक से हम मांग सकते हैं, इसलिए हमारी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और इसमें हम वापस आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग हैं दिल्ली कार्यालय पे, बीएसपी के कार्यालय पे, और हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे। जय भीम, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी, मेरे पीछे जो फौज खड़ी हुई है ये हजारों की संख्या में है, उसका कारण है कि ये छोटे छोटे संगठन चलाती थे और एक एक व्यक्ति कई कई हजार लोगों से संपर्क में है, और ये जो फौज है ये है वाल्मीकि समाज की फौज। आप समझ लीजिए कि वाल्मीकि समाज जहां पे खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, और दिल्ली का वाल्मीकि समाज पूरे तन मन धन से यहाँ पर समर्पित हो गया है। सर, ये हजारों की तादाद में आज वाल्मीकि समाज के जो संगठन के नेतृत्व करने वाले लीडरान हैं वह यहाँ पर जुड़ रहे हैं, किस नज़र से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे वाल्मीकि समाज? देखिए, हम इसको वाल्मीकि समाज की नज़र से नहीं देख रहे हैं जी। हम इसको बहुजन समाज के एक पार्ट के एक ग्रुप के हिस्से के रूप से देख रहे हैं जी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी उन 85% लोगों को हिस्सेदारी देने की बात करती हैं, जिसमें एक समाज वाल्मीकि समाज जो एससी समाज के अंतर्गत आता है जी। तो बहुजन समाज पार्टी पहला प्रयास उसका है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट के जितनी भी समाज के लोग हैं, जितनी उपजातियां हैं, वो सब एकत्र होकर के इस संगठन को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और आज इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश के बहुत सारे लोग जो अशोक अज्ञानी जी के नेतृत्व में, पहले भी राजस्थान में काफ़ी लोग जुड़े थे, राजस्थान के वो जिस समय हम लोग माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी, उस समय हजारों की संख्या में आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, आपने देखा। और उसी तरीके से इन्होंने
इस बार पार्लियामेंट के चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अपने तमाम साथियों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी के जो एमपी हैं वो हंसराज हंस हैं और कांग्रेस भी वाल्मीकि समाज की बात करती है, उनके संगठनों को मजबूत करने की लगातार बात करती है, क्या फर्क है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में और बीजेपी के नेतृत्व में, या कांग्रेस के या और पार्टियों के नेतृत्व में क्या मिलेगा? बहुजन जो आज भी वाल्मीकि समाज है वो गटर में घुसने का ही काम कर रहा है, तो इसको क्या मिलेगा? बस आपके क्वेश्चन में ही आंसर भी है जी, कि दिल्ली में आप देखते हैं आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सेदारी मतलब उनको अपनी तरफ जोड़ने का काम किया, लंबे समय तक कांग्रेस जोड़े रही, बीजेपी जोड़ती है, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी तमाम समाजवादी चिंतक की पार्टियां, इनका उद्देश्य होता है बहुजन समाज के इस वर्ग का जो बड़े पैमाने पर इसको सिर्फ धर्म और उसके नाम पे गुमराह करके या जात का द्वेष फैला करके इनका वोट लेना है। बहुजन समाज पार्टी उन पार्टियों में एक बेसिक अंतर है कि बहुजन समाज पार्टी इन्हें अपने शरीर का एक अंग मानते हुए, अपना हिस्सा मानते हुए इनको हिस्सेदारी देने की बात करती है, और हिस्सेदारी न सिर्फ देने की बात करती है, उसको करके दिखाने की बात करती है। उत्तर प्रदेश में चार चार बार की सरकारों में इस बात का एग्जाम्पल बहन जी ने स्पष्ट रूप से करके दिखाने का काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में भी जैसा कि जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से एक बात उभर करके आती है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ यूपीए गठबंधन है, और दोनों ही गठबंधन इतिहास इस बात के साक्षी, इन्होंने इस देश के बहुजन समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है। अगर ठगने का काम नहीं किया होता तो 1950 में भारत का संविधान, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान, समय पवित्र संविधान लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, चालू हुआ, स्टार्ट हुआ जी। और उससे लेकर के आज तक लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। 75 वर्ष लागू होने के बाद भी अगर इन पार्टियों की नीयत अच्छी होती, इन पार्टियों की समाज के प्रति ईमानदारी से कुछ करने का की इच्छा जागृत इनके मन में होती, तो ये भारत के संविधान में दी गई सहूलियतें, चाहे वो आरक्षण हो, रिजर्वेशन हो, सरकारी नौकरियों में शिक्षा हो, या फिर बाकी की सहूलियतें जो मान सम्मान है, उसको इन्होंने पूरा किया होता। आज तक ना तो इन्होंने 15% केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी का पूरा किया, ना 7.5% एसटी का पूरा किया, ना 27% 1992 से लागू होने के बाद ओबीसी का पूरा किया। तो इनकी तो नियति ही में खोट है, ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट का, वोट लेने के लिए तमाम तरह के नाटक सिर्फ इनका काम है कि किसी तरीके से इनका झूठा सच्चा इन्हें इतना इतना खाना दो कि ताकि ये जीवित भर रहे हैं जी। और इन्हें सर्कस दिखाते रहो जी। तो ये एक तरफ सर्कस दिखा रहे हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी चाइना के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, ये कुछ ना कुछ अभिजात के नाम पर, कभी कुछ ना कुछ ये सर्कस दिखाने का काम करते हैं और ऊपर से वोट लेने का काम जी। अशोक जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे रखूंगा, क्या कहना चाहेंगे कि जो वाल्मीकि समाज की जो पार्टी कहते हैं वो तो आम आदमी कहते हैं क्योंकि झाड़ू निशान है उसका, और वाल्मीकि समाज अधिकांश झाड़ू का काम करता है, जबकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि दिग्भ्रमित करने का काम है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये पूरी तरह से आई वॉश है, और जो मनुवादी आरएसएस का ये बिल्कुल खास आदमी है, और झाड़ू का निशान इन्होंने पूरी उसके साथ लिया, साजिश के तहत पूरी इन्होंने दिल्ली में वो किया, पूरा इन्होंने सर्वे किया, 40 लाख से ज्यादा वाल्मीकि समाज है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो वोटर है, परिवार के साथ रहता सबसे बड़ी संख्या है, और उन्होंने सर्वे करके सबसे पहले वाल्मीकि समाज को टारगेट किया, और उन्होंने झाड़ू का निशान इसलिए लिया क्योंकि हजारों वर्षों से झाड़ू से आस्थाएं हैं रोजी रोटी की, तो इसीलिए जो नई भी है सफाई कर्मचारी तो उनके बाप दादे या माँ बाप किसी ना किसी जुड़े हुए थे, तो झाड़ू का निशान आते ही वो एक तरफा वोट की गारंटी हो गई, तो इस वजह से उन्होंने साजिशन लिया था। जबकि सबसे बड़ा शोषण जो इसने आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 बार की सरकार में किया है, जो हमारा उसमें उसने रिजर्वेशन खत्म किया, देखो केजरीवाल भारत के अंदर पहला ऐसा राजनेता हो गया जिसने डायरेक्ट हमारा रिजर्वेशन खत्म किया, अनुसूचित जाति का, जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी बनी 2020 में, उसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन लागू नहीं किया, और 2020 और 21 का जो बजट है, दिल्ली का फाइनेंशियल बजट है, उसमें डायरेक्ट इसने जो हमारा एससी अनुसूचित जाति का जो अलग से पैसा आता था 1300-1400 करोड़ रुपए हमारे बच्चों के उसका अपलिफ्टमेंट का, पढ़ाई लिखाई का, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, उसको खत्म करके इसने जो सामाजिक उसमें जो वो है फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या ओल्ड एज हैं या वुमेन्स हैं उनके साथ जोड़ दिया, तो इसने तो सबसे बड़ा धोखा किया। और सफाई कर्मचारियों को कहा था पक्का करूंगा, डिग्निटी की तरह लाइफ दूंगा, वो पूरी की तरह इसने कुछ नहीं किया और उनको ठेके पे रखा है। तो इसने इसने जो पूरी तरह से यूनिक आदमी है,
ये आरएसएस का बिल्कुल, बीजेपी का और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों भाई बहन है आपस में और ये तीनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। इसीलिए हमारी पूरी तमाम व्यापक टीम ने आज वाल्मीकि समाज ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। क्या लगता है कि आपके वजह जुड़ने से पूरे देश का वाल्मीकि समाज बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप बात करते हैं तो पूरा जुड़ेगा? सर पूरा जुड़ेगा। आंध्र प्रदेश से मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे पंजाब से फोन आ रहे हैं कि अब हमारे यहाँ भी कराओ, हम भी वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े ग्रुप और हम उसके साथ जुड़ेंगे, बीएसपी के साथ जुड़ेंगे। तो अभी तो बिल्कुल एक आंधी सी चलने वाली है, एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि वाल्मीकि समाज को ये भी नहीं पता था कि भाई बीएसपी हमारी पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जिसपे हम हक से अधिकार से हम अपना जता सकते हैं और उन नेताओं से, हम तमाम हमारे नेता हैं जिनको हक से हम मांग सकते हैं। इसलिए हमारी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और इसमें हम वापस हम आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।